हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको लो ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर की समस्या एक गंभीर समस्या होती है। जब अचानक से ही आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे कि आपको अचानक से बेहोशी आ जाएगी, चक्कर आने लगेंगे, चलते चलते आप गिर जाओगे, दिल और दिमाग से संबंधित गंभीर प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाएंगी, दिल बैठ जाएगा, दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। ऐसी कुछ दिक्कतें ज़्यादातर ब्लड प्रेशर के अंदर देखी जाती हैं। जब आपका लो ब्लड प्रेशर होता है तो शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। अगर आपको ऐसी कुछ समस्या सता रही है तो आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर के दौरान हमारे शरीर के कुछ सुचारू अंग जैसे कि दिल, किडनी और फेफड़े अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं, इनको ठीक प्रकार से खून नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जो कि आपके लो ब्लड प्रेशर की समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे और आपको धीरे धीरे जल्दी ही ठीक कर देंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं उन तरीकों के बारे में जो कि आपके लो ब्लड प्रेशर की समस्या को जल्दी से ठीक करेंगे। सबसे पहला तरीका होता है कैफीन का इस्तेमाल करना। कैफीन यानी कि चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, यह आपको जल्दी से जल्दी लो ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात दिलाता है। जब कभी भी आपको महसूस हो कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो ऐसे में आपको एक कप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको तुलसी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के अंदर पोटाशियम और विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से यह लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। रोजाना के तौर पर सुबह सुबह आपको 5 से 6 तुलसी के पत्तों को चबा चबा कर खाना चाहिए। इसके अंदर मौजूद तत्व आपके लो ब्लड प्रेशर की समस्या को 1 महीने के अंदर पूरी तरह से ठीक कर देंगे। तीसरा तरीका होता है किशमिश का इस्तेमाल करना। किशमिश भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। रात के समय में आपको 20 से 25 किशमिशों को पानी के अंदर डाल देना है। जब सुबह सुबह ये अच्छी प्रकार से भीग जाए तो आपको इनका इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो चने और किशमिश दोनों का इस्तेमाल करके भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। आपको 20 से 25 किशमिश 1 महीने तक इस्तेमाल करनी है। इसके बाद आप अपने ब्लड प्रेशर को दोबारा चेक करवाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। चौथा तरीका होता है आंवले का इस्तेमाल करना। हाँ जी दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर की समस्या को ठीक करने में आंवले का रस काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। लो ब्लड प्रेशर के कारण अगर आपको चक्कर आने की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच आंवले का रस लेना है। इसमें आपको थोड़ा सा शहद मिलाना है और इसको आपको चाट कर इस्तेमाल करना है। आपको दिन भर में 2 या 3 बार इसका इस्तेमाल करना है, यह आपके लो ब्लड प्रेशर की समस्या को ख़त्म कर देगा। अगर आप चाहें तो आंवले के साथ साथ आंवले के मुरब्बा का इस्तेमाल करके भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। अगला तरीका है दालचीनी का इस्तेमाल करना। दालचीनी का इस्तेमाल करके भी आप अपने लो ब्लड प्रेशर की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। दालचीनी एक आयुर्वेदिक औषधि होती है। आपको सुबह शाम दालचीनी को पानी के अंदर मिलाकर या फिर आप इसे अच्छी प्रकार से पानी के अंदर डालकर उबालकर इस्तेमाल करोगे या फिर आप दालचीनी की चाय बनाकर भी इस्तेमाल करोगे तो भी आपको काफ़ी लाभ पहुँचेगा। यह आपको 1 सप्ताह तक करना है, यह भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने खाने में अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। रोजाना खाना खाने से कुछ देर पहले आपको अदरक के छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और आपको इसे इस्तेमाल करना है। आप दिन भर में 2 या 3 बार अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको महीने भर के अंदर ही लो ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अगला तरीका होता है टमाटर का इस्तेमाल करना। हाँ जी दोस्तों, टमाटर का इस्तेमाल करना भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसके लिए रोजाना के तौर पर आपको टमाटर के रस में थोड़ी सी काली मिर्च मिलानी है और थोड़ा सा नमक मिलाना है और आपको खाना खाने से पहले इसका इस्तेमाल करना है। 1 महीने के अंदर ही लो ब्लड प्रेशर की समस्या को ये जल्दी ही ठीक कर देगा। दोस्तों, अगर आप इन उपायों में से किसी एक उपाय या 2 उपायों को करते हैं तो भी आपको काफ़ी फायदा पहुंचता है। आप चाहें तो 3 या 4 उपाय करके भी अपने लो ब्लड प्रेशर की समस्या को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी बुखार, सिरदर्द, जुकाम, गैस, खांसी, उल्टी या दस्त की दिक्कत है तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने बताया है कुछ कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन जो हर किसी के घर के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप उन मेडिसिन को घर पर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। उन लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें घर पर मंगा सकते हैं।